आप लोगों को पता ही है कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे सबसे अच्छी फेमस जगह पर ले जाएंगे। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ के फेमस जगह का खाना खा चुकी हूँ, तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। तो खैर मैं अपने फेवरेट मोमोस And I wish that I could erase the machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. I'd come and get you, I can't forget you. आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आचल लाइव ब्लॉग में। एक्चुअली गाइज आज दिन है 16 जून, एंड आज हम लोग एक्चुअली हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में मॉल्स एंड थोड़ी बहुत और भी चीज़ें ओपन हुई हैं, तो आज सोचा कि थोड़ा मोमोज खाया जाए, क्योंकि जहाँ हम मोमोज खाते हैं वो यहाँ का एकदम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फेमस मेरे लिए तो है भाई के बनाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर आके मोमोज खाएँ जाने, और चलते हैं अब हम जो यहाँ के मोमोज के जो ओनर है जो यहाँ पे खुद बनाते हैं, अब हम उनसे बात करते हैं, है ना। हाँ भैया, तो मोमोज आप कितने टाइम से बना रहे हैं यहाँ पे? कितने साल से आप यहाँ पे बना रहे हैं? 5 साल से। आप किस किस तरह के मोमो बनाते हैं, मतलब टाइप्स? ये ग्रेवी है। तो अभी आप कितने टाइम तक लगा रहे हैं यहाँ पे? 12 से 4 बजे तक। ओके, एंड देखो गाइज यहाँ पे बन रहा है चिकन मोमोज एंड वेज मोमोज, तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन टेस्ट मिलता है, ठीक है। हाँ तो गाइस आपने देखा यहाँ पर चिकन मोमोज, आपका स्टीम मोमोज हो गया, वेज मोमोज हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। चलिए अब हम यहाँ के कस्टमर से बात करते हैं कि यहाँ पे उनको कैसा टेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन और भी लोगों को कैसा लगता है अब हम इस बारे में जानते हैं, है ना। तो चलते हैं हम कस्टमर से पूछते हैं। हाँ तो सर आप यहाँ पे कितने साल से खा रहे हैं मोमोज? 1 साल। जब इनके बारे में जब पता चला तो मैंने इन्हीं से क्वेश्चन किया था। हाँ, तो मोमोज हर जगह में कैसे बनता है, आपको कैसा लगे, क्या लगे, तो बोले खा के एक बार देख ली। तो आपको यहाँ का सबसे अच्छा जो है वो वैरायटी में कौन सा मोमोज अच्छा लगता है? देखिए मैं कोई नॉन वेजिटेरियन हूँ, चिकन मोमोज के अलावा उनका ग्रेवी वाला भी रहता है, और मैं स्पेशली अभी वही बनवा रहा हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मोमोज बन रही है। हाँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं चाहूँगा कि और सभी लोग आए यहाँ टेस्ट करें इसके रिगार्डिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट लगता है, मतलब जमशेदपुर में ओवरऑल? ओके, इनका सूप की टेस्ट बताइए। सूप की टेस्ट बहुत अच्छा है ना, आपके मसाले होते हैं और बहुत टेस्टी होते। चलिए तो गाइज ये मिला हमें कस्टमर का फीडबैक, और कस्टमर आते तो मैं ज़रूर आप लोग को फीडबैक देती। गाइज ये मिला हमें कस्टमर का फीडबैक, अगर और कस्टमर होते तो मैं ज़रूर फीडबैक देती, लेकिन वाकई में यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। ये बिष्टुपुर में है,
और बिष्णुपुर का इस जो है इसे खाओ गली भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड मिलते हैं। तो गाइस हो सके तो आप यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि भाई हमारा तो फेवरेट है और अगर मुझे पसंद आया है तो कुछ तो क्वालिटी ज़रूर होगी, आप भी जानते हैं मुझे। तो इसीलिए गाइस आइए ज़रूर और खा के आप लोग भी बताइएगा कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, बाय बाय। अभी हम लोग आ चुके हैं घर और आप लोग देखे हैं कि हमने मोमोज खाया और मॉल जाना था बट मॉल का टाइमिंग ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके थे 3:30 में, तो मॉल बंद होने हो रही थी तो फिर हम लोग नहीं रुके और आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन के सारे सामान ले ली हूँ जैसे दही, पुदीना, धनिया पत्ती वगैरह वगैरह, तो आज मैं वही बनाऊँगी गाइस। तो चलते हैं, अब मैं वही बनाऊंगी और आप लोग भी एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलो बाय बाय गाइज़।